नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है माँ पापा मुझे भाई भाभी का प्यार नहीं मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अगर इस कहानी का आप पहला और दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। उधर से शेखर जी ने नेहा का फ़ोन उठाया। बेटा इतनी रात को फ़ोन, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा सब सही है, वो पापा आपसे कुछ कहना था। हाँ बोल बेटा। शेखर जी की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। तब तक मीनाक्षी जी भी उठकर शेखर जी के पास आ गई। उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर करने को कहा। शेखर जी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। वह पापा, बोल बेटा क्या कहना है? पापा आज आपके वसीयत के कागज़ मिले मुझे। हाँ बेटा तेरे भाई ने बताया था, साइन करके भेज दे बेटा ताकि मैं भी इन जिम्मेदारियों से छुटकारा पाऊँ। नेहा संभलते हुए बोली, पापा मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। नेहा की बात सुन कुछ समय को सन्नाटा सा छा गया। मीनाक्षी जी और शेखर जी को एक पल को यकीन नहीं हुआ। वो थोड़ा संभल कर बोले, बेटा मैंने तुझसे कितना कहा था, तब तो तुमने मना कर दिया, फिर अचानक, अब तो सब हो गया बेटा, कहीं तेरे भाई भाभी। आगे के शब्द शेखर जी के गले में फंस से गए। नेहा ने भी पापा की बात काटते हुए कहा, पापा आप भैया को कह देना मैं कल तक आपके पास कागज लेकर खुद आ रही हूँ, मैं मेरा हिस्सा लेने आ रही हूँ, कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। इधर मीनाक्षी जी और शेखर जी समझ नहीं पा रहे, बेटे बहू को कैसे कहेंगे, अगर उस समय ही ले लेती तो सही था, इस वसीयत के चक्कर में कहीं भाई बहन में मनमुटाव ना हो जाए और दोनों रात भर इसी उपापोह में रहे कि आखिर घर में सबको कैसे कहेंगे। इधर नेहा की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी, वह असमंजस में थी। क्या वह सही कर रही है? उसने सही निर्णय तो लिया अपना हिस्सा मांगकर, और क्या सच में उसको अपना हिस्सा मिल भी पाएगा? वो इसी संशय में थी, हिस्सा मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो उसको मालूम था माँ पापा भी पूरी रात सो नहीं पाएंगे। अगले दिन जब भाई भाभियों को पता चला तो कहा किसी ने कुछ नहीं, पर एक तनाव का माहौल फैल गया। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा, पर आपस का व्यवहार उनके मन की हालत बता रहा। दोनों भाई बिना कुछ बोले काम पर चले गए, आज समय से थोड़ा पहले ही निकल गए। बहुएं भी बोल कुछ नहीं रही थी, पर उनके मन का द्वंद्व साफ उनके चेहरे पर दिख रहा। शेखर जी और मीनाक्षी जी बेचारे बिना बात ही अपराध बोझ से ग्रस्त बैठे थे। दोनों का ना आज पूजा में ही मन लगा, नाश्ते में भी बस चाय और एक ब्रेड बड़ी मुश्किल से ली। मीनाक्षी जी शेखर जी को बीपी की दवाई देते हुए बोली, क्यों सोच रहे हो इतना, सब सही होगा। हालांकि ऐसा बोल वो शायद खुद के मन को ही समझा रही थी। शेखर जी पानी से दवाई लेते हुए बोले, तूने दवाई ली, तेरा बीपी अभी नापे तो शायद मशीन ही टूट जाएगी, कहते हुए दोनों अपनी बेबसी छिपा रहे थे। मीनाक्षी जी आँख में आए पानी को छिपाते हुए बोली, आती होगी नेहा भी, अभी बात हुई तो बस पहुँचने ही वाली थी। देखना मैं कह रही हूँ, अभी भी वो अपना हिस्सा लेकर दोनों भाइयों में ही बांट देगी, जानती हूँ ना उसको बचपन से ऐसी ही है। शेखर जी को बोल मन ही मन न जाने कितने देवताओं से मन्नतें मांगी होंगी। शेखर जी ने मीनाक्षी जी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस शून्य में देख रहे थे। उनके मन का डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सच कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों में मन मुटाव हो। नेहा गाड़ी में आँख बंद कर सिर टिका कर बैठी थी। उसकी आँख जरूर बंद थी पर मन गाड़ी की गति से भी तेज भाग रहा था। चलने से पहले शेखर को फ़ोन पर सब बता दिया और यह भी पूछा कि क्या सच में वो सही कर रही है, क्या उसको उसका हिस्सा मिलेगा। शेखर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो नेहू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा या नहीं, पर तुम अपने मन को तैयार रखना हर स्थिति का मुकाबला करने को। हिस्सा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा ना कि मैंने यूं ही मेरा हिस्सा छोड़ दिया, काश एक बार तो मांगती। सच शेखर की बातों से नेहा को बहुत हिम्मत मिली। नेहा माँ पापा के घर आ गई। माँ पापा उसको देखकर खुश तो हुए पर उसके चेहरे के भाव बता रहे थे उनके मन की मनोस्थिति। एक बार तो नेहा को अपने आप पर गुस्सा भी आया कि उसके कारण कितना परेशान हुए दोनों, कितनी स्वार्थी बन गई है वो, पर वो मजबूर है,
वैसे भी आज के ज़माने में कौन अपना हिस्सा इतनी आसानी से जाने देता है। दोनों भाभियाँ भी तब तक आ गईं। औपचारिक बातचीत और नेहा को खाना खिलाने के बाद भाभियाँ अपने अपने कमरे में चली गईं। नेहा से घर का तनाव छिपा नहीं था। अकेले में नेहा के पापा ने उससे बोला, बेटा आखिर एकदम से तेरा मन क्यों बदला? जब मैं कह रहा था तभी तू कह देती और अपना हिस्सा मांग लेती तो सही था। अब जब सब तय हो गया तब तूने अपना मन बदल लिया। नेहा बोली, क्यों पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मन ही तो है, वह तो कभी भी बदल सकता है। और पहले लूँ या फिर अब, आखिर मेरे हिस्से पर मेरा हक है और वही मैं लेने आई हूँ। नेहा ने ध्यान दिया, माँ पापा बोले कुछ नहीं पर मन ही मन बहुत दुखी थे। उनकी चिंता भी जायद थी, कहीं यह वसीयत उनके परिवार में भाई बहनों में मन मुठाव ना कर दे। रात को भाइयों को आने में थोड़ी देर हो गई। सब ने मिलकर खाना खाया पर घर में जो तनाव पसरा था उससे सब असहज थे। खाना खाने के बाद सब आकर हॉल में बैठ गए। नेहा का बड़ा भाई बोला, हाँ तो बता नेहा, क्या कह रही थी, तुझे भी हिस्सा चाहिए ना? अमूमन नेहा का भाई कभी उसे नाम से तो संबोधन करता ही नहीं, या तो छुटकी बोलेगा या मोटी, पर आज उसकी मनोदशा ने उसके मुँह के शब्द भी बदल दिए। नेहा के दिल में कुछ खटका, आज भाई ने उसे मोटी जो नहीं बोला ना ही उसको परेशान किया। इतने सदस्यों के होने के बावजूद हाल में इस समय मरघट सा सन्नाटा छा रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया था। नेहा अपना गला साफ करते हुए बोली, हाँ भाई, मैंने बहुत सोचा और यही फैसला लिया कि मैं मेरा हिस्सा लूँगी, पर कितना क्या उसके बारे में हम सुबह चर्चा करेंगे। वैसे भी अभी रात बहुत हो गई है, आप दोनों की कल रविवार को छुट्टी है, आराम से बैठ कर बात करेंगे। इधर माँ पापा चुपचाप बैठे थे, बंटवारा उनके पैसों का हो रहा था पर बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सच या बंटवारा सिर्फ पैसों जमीन जायदाद का ही नहीं होता, कहीं ना कहीं दिलों का भी बंटवारा कर ही देता है, जिसमें बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। पर उन माँ पापा से पूछो जिनकी आंखों के सामने बच्चों के दिल और मन का बंटवारा होता है। नेहा ने देखा दोनों भाभियाँ थोड़ा सा नाराज थे, उनका चेहरा उनके मन की चुगली कर रहा था। भाई नाराज तो नहीं पर कुछ उखड़े से थे। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए। नेहा ने देखा माँ पापा ने हमेशा की तरह उससे ज़्यादा बात नहीं करी और सो गए। सच इस बात ने उनको कितना दुखी कर दिया था, कितना टूट गए थे। नेहा बिस्तर पर लेट तो गई पर नींद को कहाँ से बुलाए, वो तो जैसे उससे भाग रही थी, आँख मिचौली खेल रही थी या देख रही थी कि उसके हिस्सा मांगते ही घर में तनाव छा गया। सच ये हिस्सा होता ही ऐसा है, एक दूसरों से अलग कर देता है। नेहा ने कभी कभी पढ़ा था वो पंक्तियाँ, उसके कानों में गूंज रही थी, अपना हिस्सा मांग के तो देखो सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर तो देखो सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। आज ये बात अक्षर से सही दिख रही थी, पर वह भी मजबूर है, ऐसे कैसे अपना हिस्सा छोड़ दे। बस इन्हीं सब बातों में उलझी हुई आखिर नींद को उसकी आंखों ने पकड़ ही लिया। अगली सुबह घर के हर बड़े सदस्य की आंखें उनकी रात की चुगली कर रही थी, शायद सबकी रात आंखों में ही कटी थी। कहते हैं बच्चे कितने भी छोटे हों, बड़ों के व्यवहार का एहसास उन्हें हो ही जाता है। यहाँ भी घर के बच्चों को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने आप बिना किसी के कहे अपने कमरे में चले गए। नहीं तो बुआ के आने पर कितनी धमाचौकड़ी मचाते थे। बड़ों को कहाँ एहसास होता है कि घर के माहौल का बच्चों पर कितना असर होता है। तभी तो कहते हैं घर का माहौल स्वस्थ होता है तो बच्चों का भी विकास सही होता है। पर इस समय बात ही कुछ ऐसी थी कि कोई चाहकर भी सामान्य नहीं रह पा रहा था। सब एक दूसरे से जैसे नजरें चुरा रहे, साथ होकर भी सब अलग। सच ये सन्नाटा काटने को दौड़ रहा। नेहा जिसको मायके में किसी समय हर एक पल उड़ता हुआ सा लगता था, इस समय कांटे नहीं कट रहा था। सच में ये समय कितना बदल देता है। नाश्ता खाना सब काम से फ्री होकर सब माँ पापा के कमरे में आकर बैठ गए। तीनों भाई बहन को यूं बैठा देख मीनाक्षी जी सोच में डूब गईं। बचपन में तो तीनों भाई बहन कैसे लड़ते थे, माँ के पास कौन बैठेगा, पापा के पास कौन बैठेगा, कितनी लड़ाई करते थे इसी बात पर। लेकिन तब की लड़ाई और आज का ये तनाव कितना अलग है। रिश्तों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद इस बार शेखर जी ने अपने बच्चों से बोला, बेटा मैं नहीं चाहता कि इन पैसों की वजह से तुम बहन भाइयों में आपस में अनबन हो। मैं पहले भी नेहा को उसका हिस्सा दे ही रहा था, अब जब वो खुद मांग रही है तो हम खुशी खुशी देते हैं, अभी कौन सा बंटवारा हो गया।
उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी तनाव को कम करने की, पर सब अभी भी चुप थे। इस चुप्पी को तोड़ते हुए नेहा बोली। सब एकदम से नेहा को देखने लगे। दोनों भाभियां ऐसे देख रही थी, पता नहीं नेहा क्या मांग ले। इधर भाई भी अधीरता से नेहा को देख रहे थे। नेहा की आवाज़ बहुत ही गंभीर थी। पापा, मुझे पता है ये आपका पैसा है, आपकी वसीयत है, आप ही इसका बंटवारा करेंगे और आप मुझे अपनी संपत्ति में हिस्सा अपनी इच्छा से दें या मैं आपसे मांग कर लूँ, क्योंकि कानूनन मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। सबकी नज़रें नेहा पर टिकी थी। नेहा ने पास में रखे जग में से पानी पिया और अपना गला साफ करते हुए बोली, कानून ने वसीयत में तो हमको बराबर का हिस्सेदार बना दिया, पर उसके कारण रिश्तों में जो तनाव, जो मनमुटाव आता है, वो हटाने के लिए भी काश कोई कानून बना पाती। उसके चेहरे पर उस तनाव का दर्द साफ झलक रहा था। वो अपने को संभालते हुए बोली, पापा, आज मुझे अपना हिस्सा आपसे नहीं, मेरे दोनों भाई और भाभियों से चाहिए। मीनाक्षी जी, जो इतनी देर से चुप थी, नेहा की यह बात सुन उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, बेटा ये क्या कह रही है, तेरा हक तेरे पापा की संपत्ति में है, भाइयों में नहीं। हाँ, वह तुझे खुशी खुशी कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, पर तू उनसे ज़बरदस्ती मांग नहीं सकती। सब नेहा को अचरज भरी नज़रों से देख रहे हैं। आखिर उसके मन में क्या है, पहले तो कुछ नहीं चाहिए था और अब? नेहा अपनी माँ से बोली, माँ मुझे पता है, पर जो मुझे चाहिए वो आप नहीं, ये लोग ही दे सकते हैं। और वो उठकर अपने भाई और भाभी के पास चली गई। अब तक दोनों भाई भाभी असमंजस की स्थिति में थे। किसी को कुछ नहीं पता था नेहा के मन में क्या चल रहा है। नेहा ने बोलना शुरू किया, पापा, माँ, भैया, भाभी, भले आप सब कुछ कह नहीं रहे, पर अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे ना कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। पहले मना कर दिया और अब आ गई मांगने के लिए, पर क्या करूँ, बेटी हूँ ना। हम बेटियाँ होती ही ऐसी हैं, स्वार्थी, लालची, अपने मायके से जिंदगी भर अपना हक लेना चाहती हैं। यह मायका जो होता है ना, उसका मोह हम बेटियाँ जिंदगी भर नहीं छोड़ पाती। कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी संपन्न हमारा ससुराल हो, पर जहाँ से जिस हक की हमको आस होती है, वो और कहीं से मिल भी तो नहीं सकता। नेहा कहना क्या चाहती है, कब से पहेलियाँ बुझा रही है। शेखर जी अधीर होकर बोले। नेहा की आंखें भर आई। वो अपने भाइयों से बोली, भैया, इस बार जब मैं घर आई हूँ तो मुझे घर का माहौल कुछ बदला सा लगा। जो अपनापन, आज़ादी, गर्मजोशी मुझे यहाँ मिलती थी, जाने कहाँ वो गायब सी हो गई। पहली बार मुझे यहाँ झिझक हिचक का एहसास हुआ। अरे, मैं तो यहाँ सारे गम भुलाने अपना बचपन जीने आती थी, पर उसका एक पल भी एहसास नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों ने, भाभियों ने मेरा ध्यान नहीं रखा, नहीं, सबने खूब ध्यान रखा, पर कहीं कहीं तो कुछ कमी थी, कुछ खटक सा रहा था, और वो जो कमी थी, उस कमी को ही भरने को मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अभी तक भी कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था, पर अब तक नेहा, उसका गला ज़रूर रुध गया था। शेखर जी और मीनाक्षी जी उसको ऐसे देख व्याकुल हो रहे थे। जिस बेटी को नाजों से पाला, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, वह आज अपने ही सामने उसको रोते ऐसे देख उसका दिल बैठा जा रहा था। नेहा अपने को संभालते हुए बोली, भाभी, आज जो मैं आप लोगों से मांग रही हूँ, या मैं नहीं मांग रही, इसकी तमन्ना तो शायद हर बेटी की होती है, फिर चाहे उसका मायका सामर्थ्यवान हो या नहीं, ये हक हर बेटी लेना चाहती है। यह मेरा ही नहीं, भाभी, आपका, सागर की बहन, मतलब मेरी ननद का, हर बेटी ये हक अपने मायके से चाहती है। दोनों भाभियाँ कुछ समझ नहीं पा रहीं। नेहा ने बोलना जारी रखा, भाभी, आप कभी चाहोगी कि आपके मायके में जो आपको प्यार मिले उसमें सिर्फ दिखावा, बनावटीपन हो? नहीं ना, आप भी निस्वार्थ प्यार अपने मायके में तलाशती होंगी, और अगर उसकी जगह दिखावा, बनावटीपन मिले तो कैसा लगेगा? मुझे भी यहाँ मेरे भाई भाभियों का वही प्यार, उनका अपनापन, उनका दुलार चाहिए। जब मैं यहाँ आऊँ तो उस प्यार में कहीं भी बनावटीपन ना लगे, जब मैं यहाँ आऊँ तो सारे गम भूल जाऊँ, जिस मायके के लिए बेटियाँ तरसती हैं उसका एहसास मुझे अभी भी नहीं बल्कि ज़िंदगी भर रहे, मरते दम तक हमारा मायके पर हक रहे, एक बेटी की तरह। आप सब मुझे देख खुश हो, भले आप लोग अलग हो गए, पर जब मैं आऊँ तो सब मुझे एक साथ दिखे, केवल दिखावे के लिए नहीं, मन से भी। और भाभी, इसी हक की आस आपको अपने मायके से होगी, और यही हक की आस आज मेरी ननद को होगी। जिस व्यवहार की उपेक्षा मैं आप लोगों से करती हूँ, मेरी ननद भी तो मुझसे करेगी, वो भी तो उस घर की बेटी है, और आपने भी वही अपनापन अपने मायके से चाहा होगा।
बस भैया भाभी मुझे मेरा वही हिस्सा दे दे जो कि मुझे ही नहीं हर बेटी को वो हिस्सा चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हर बेटी को मायके से पैसा नहीं प्यार की अपनेपन की आस होती है, बस वही आस मुझे भी है। सिर्फ नाम के लिए नहीं हो मायका, बल्कि उस नाम में से वो खुशबू का भी एहसास हो। नेहा की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, रो रो कर उसकी हिचकियां बंध गई। इधर शेखर जी मीनाक्षी जी की आंखें भी नम थी, उनको नहीं पता था उनकी बेटी के मन में क्या कुछ चल रहा है। दोनों भाभियां और भाई तो जैसे बुत से बन गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। तभी दोनों भाभियों ने आगे जाकर नेहा को गले लगा लिया, आंसू उनकी भी आंखों में थे। दीदी आज आपने हमारी आंखें खोल दी, आप सही कह रही हैं, आपने जो हिस्सा मांगा शायद वह हर बेटी का हक है। हर बेटी ये हक अपने मायके से चाहती है, और अगर उसको ये हक स्वेच्छा से मिले तो उसकी बात ही अलग होती है। ये हक छीन नहीं सकते, ये तो अपने आप मिलना चाहिए। और यह हक, ये हिस्सा तो सच उसके भाई भाभी ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। दीदी यह हमारा वादा है, हम आपको आपका हक दे कर रहेंगे, नहीं तो हम अपने मायके से कैसे आस करेंगे। अगर आपको ही आपका हक नहीं देंगे तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमको जो मायके से प्यार मिले उसमें दिखावा हो। अच्छा हुआ दीदी आपने अपना हिस्सा मांगा, अब हम भी हमारे मायके में अपना यही हिस्सा मांगेंगे। तभी दोनों भाई आगे आए, उनकी आँखें भी नम थी। छोटा भाई बोला, अब बस बिकर सबको रुला दिया, पर मोटी आज भी तूने सबसे ज़्यादा हिस्सा मांग लिया। पर तू चिंता मत कर, तेरा हिस्सा तुझको हमेशा मिलेगा, वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। नेहा अपने भाइयों के गले लग गई। इस समय सबकी आंखों में आंसू थे, पर दुख के नहीं, खुशी के, संतुष्टि के। इधर शेखर जी और मीनाक्षी अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। पहली बार किसी घर में बंटवारे होने पर मनमुटाव नहीं हुआ, बल्कि प्यार और बढ़ गया था। इतने में सागर का फ़ोन आया। नेहा बोली, हाँ हाँ मैं आज ही निकल जाऊंगी, चिंता मत करो। नेहा की बात सुनकर दोनों भाभी बोली, अरे दीदी इतनी जल्दी क्यों, अभी नहीं जाने देंगे आपको, अभी तो ढंग से बात भी नहीं हुई। नेहा बोली, भाभी मैंने तो अपना हिस्सा मांग लिया, पर मुझे भी तो हमारी दीदी को उनका हिस्सा देना है, वह आज घर आ रही है, बस इसलिए जल्दी जा रही हूँ। सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे, और नेहा जाने की तैयारी करती सोच रही थी, अच्छा हुआ जो अपना हिस्सा मांग लिया, अगर नहीं मांगती तो शायद बहुत कुछ खो देती। पर क्या सच में उसको उसका हिस्सा मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। पर वह तो अपना फर्ज यानी अपने घर की बेटी उसकी ननद को उसके हिस्से का हक जरूर देगी। आपको नेहा का हिस्सा मांगने का फैसला कैसा लगा? क्या हर बेटी को मायके में इतना हिस्सा पाने का अधिकार तो होना ही चाहिए? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली कहानी में।